अबू ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, मैंने निकाह कर लिया है, आज से तेरी अम्मी है। अबू तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? इस उम्र में कौन निकाह करता है? तेरा मन किया निकाह करने का, मैंने इससे निकाह कर दिया, इसमें तुझे क्या दिक्कत है? कौन है ये? देखो बेटा, ये मुझसे प्यार करते हैं और मैं इनसे। प्यार में कोई उम्र थोड़ी देखी जाती है। तुझसे कुछ बोला मैंने जो बीच में बोल रही है? ये कोई उम्र है प्यार करने की? अपनी उम्र देख और इनकी उम्र देख। क्या उम्र देखो, प्यार में दिल देखा जाता है, उम्र नहीं। देखो बेटा, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये मुझसे, इसलिए हमने शादी कर ली। चलो जी फिरोज के पापा, हम अंदर चलते हैं। इस बुड्ढे को तो मैं बताता हूँ, 30 साल की लड़की को लुगाई बना के लिए आया। ए जी, घर तो काफी अच्छा है आपका। ओ सुन, घर अच्छा है और नहीं, मैं रहने नहीं दूंगा। चल खड़ी हो और निकल यहाँ से। देख बेटा, ये मेरी बीवी है और तेरी दूसरी अम्मी, अब ये इसी घर में रहेगी। अब्बू तुम तो चुप ही रहो, मुझे क्या करना और क्या नहीं मुझे अच्छे से पता है, और तू क्या महारानी बनकर सोफे पे बैठी है? चल खड़ी हो और निकल यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ इस घर से? ये मेरे पति का घर है और इनका घर मेरा घर है, और हाँ, अब तुमसे ज्यादा हक मेरा है इस घर पे। किस हक की बात कर रही है तू? ये प्रॉपर्टी जायदाद सब मेरे नाम है, इसलिए मैं जब चाहूँ किसी को भी धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक, अब नहीं, क्योंकि वसीयत के अनुसार सबसे पहला हक इनकी प्रॉपर्टी पर इनकी बीवी का है, और अब जब मैंने इनसे शादी कर ली है तो इनकी प्रॉपर्टी मेरी भी होती है। देख बेटा, बहस करना छोड़ दे, तू भी इस घर में रहेगा और ये भी इस घर में रहेगी। कोई नहीं रहेगा इस घर पे, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जीवन तक ताला लगा ले, वरना तुझे सबसे पहले घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। और तू, तुझे सुनाई नहीं दिया? चल निकल मेरे घर से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी इस घर से, क्योंकि ये मेरे पति हैं और मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, कुछ तो शर्म कर बेशरम, तेरे बाप की उम्र क्या है ये? क्या शर्म शर्म की माला जप रहा है? जब से तुझे बताया ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक बार की बात तुझे समझ में नहीं आती? अब अपनी बकवास बंद कर, बहुत देर होगी तुझे, अब जा रही है यहाँ से या पिटके जाएगी। अबे ओ सुन, रिश्ते में तेरी माँ लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर ना हाथ भी मत उठा दियो, क्योंकि अगर मैं अपनी औकात पे आ गई ना तो यही कलेश कर दूंगी। तू क्या कलेश करेगी साली, ये मेरा घर है, फिरोज खान का घर, इसलिए फालतू की बकवास बंद कर और निकल यहाँ से। और अब्बू तुम इसे निकाल रहे हो मेरे घर से, या मैं अपनी औकात दिखाऊं? देख बेटा, मैं तुझसे पिछले बार इससे शादी की है। अच्छा, मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ ऐसा? देख बेटा, तेरी माँ ने तेरे पिताजी के मरने के बाद मुझसे शादी की थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसके जाने के बाद तुम दारू पीने लगे, खूब नशा करने लगे, घर जाकर नई नई लड़कियों को रगरेलिया मनाता है तू, और दिन रात मुझे मारता है पीटता है। हद तो तब हो गई जब तू फोन पे अपने दोस्त से बात कर रहा था, मुझे मार के मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा तू। अच्छा, मतलब बुड्ढे तूने सब सुन लिया था, तभी तूने दूसरी शादी करी है। तूने इतना बड़ा धोखा किया है, क्या तू अपने सगे बाप के साथ भी ऐसा ही करता? अबे ओ, मेरे अब्बू तक मत पहुंच, मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करता था, लेकिन इस बुड्ढे से नहीं। लेकिन तू मुझे ये बता, तूने इस बुड्ढे से शादी करी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? तुझे जरा सी क्या कहेगा, थूकेगा तेर पर। भाड़ में गया तेरा समाज, जब तू अपने बाप को मारने का प्लान बना रहा था तब तुझे समाज की चिंता नहीं हुई? नहीं ना, इन्होंने तुम्हें अपना समझकर अपने बेटे की तरह पाला पोसा, पर तुम इन्हीं के जान के पीछे पड़े हुए हो। और सुनो, आज जो ये शादी कर आए हैं ना, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही हो। अब्बू मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, आप मेरी सारी प्रॉपर्टी रख लो, आप कहोगे तो मैं घर छोड़कर खुद चला जाऊंगा। चलो, तुम्हें मेरी बात समझ तो आई? अगर तुम्हें सच में तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें सच बताती हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ड्यूटी करते टाइम मैंने देखा कि ये सड़क पर बैठे, और जब मैंने इनके रोने का कारण पूछा तब मुझे तुम्हारी असलियत का पता चला। हाँ, हमने कोई शादी नहीं की है, बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया। मैडम, मुझे सब समझ आ गया, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए मेरी गलती सुधारने का, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुम्हारी शिकायत मिली तो तुम सीधा जेल जाओगे। जी मैडम। अरे वर्षा, ये तो बहुत महंगी जगह है। अरे तुम चुप करो और चलो मेरे साथ। अरे मैं तुम्हें बाहर से दिलाऊंगा ना अच्छी सी साड़ी। मुझे नहीं लेनी वैसी साड़ियाँ, यहाँ से मुझे सूट लेना है। अच्छा जी मैडम, बोलिए आपको क्या दिखाऊं? हाँ भैया, कुछ बढ़िया सा सूट दिखा दो जिसे मैं अपने जन्मदिन पे पहन सकूं। ओके ओके मैम, ये देखिए, ये हमारी सोप का सबसे बेस्ट पीस है। वो गुलाबी वाला दिखाओ ना। दिस वो अच्छा है ना? ओके, आपकी वाकई चॉइस बहुत अच्छी है मैम।
ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये अच्छा लग रहा है। हाँ वो लाल वाला दिखाओ। अच्छा ये वाला दिखाना आपको, ये देखिए मैम। हाँ ये बहुत अच्छा है, एक काम करो भैया इसे ही पैक कर दो। भैया कितने का है ये? सर ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 4000 का पड़ जाएगा। वर्षा तुम पागल हो गई हो क्या? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं, इतना थोड़ी कमाता हूँ मैं। मुझे नहीं पता, मेरा जन्मदिन है मुझे ये चाहिए। अरे वर्षा 500-500 में बाहर मिल जाते हैं, इससे भी अच्छे महंगाई। वर्षा मत ले प्लीज। अरे कब तक करते रहोगे अपनी ये गरीबी गरीबी गरीबी, कभी कुछ दिलाया तुमने? चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। भैया आप इसे ही पैक कर दो, मैं बात करती हूँ। ओके मैम। ये लीजिए मैम आपका, आपका मैम आफ्टर डिस्काउंट 4000 हुआ। क्या हुआ मैडम, पैसे नहीं है क्या आपके पास में? और भी कस्टमर हैं सर, आप प्लीज जल्दी कीजिए, वो वेट कर रहे हैं। वर्षा मेरे पास पैसे नहीं है। अनिकेत पैसे दो। जब पैसे नहीं थे तो सर अंदर ही क्यों आए आप लोग? बड़ा शोरूम दिखा नहीं और अंदर आ गए? दीजिए मैम वो कुर्ती दीजिए, आप होती नहीं है और अंदर आ जाते हैं कहाँ कहाँ से पता नहीं। अरे मुंह क्या देख रहे हो दोनों, बाहर निकलो। वर्षा कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं है लोग। वर्षा मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? जब तुम्हारी औकात नहीं होती मुझे कुछ भी दिलाने की तो क्यों आ जाते हो लेके? बेइज्जती करा दी पूरी। वर्षा मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। अब जब तुम्हारे पास पैसे हो ना तब आना मेरे पास, जा रही हूँ मैं अपनी मम्मी के घर। वर्षा या बस ये आखिरी डिलीवरी है। अच्छा भैया आ गए आप, कितने हुए? सर आपके 400 rupees हो गए। वर्षा मेरा वॉलेट लाना अंदर से। वर्षा ये दीजिए। वर्षा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था तुम अपनी मम्मी के यहाँ गई हो। मम्मी के जाऊँ या कहीं भी जाऊँ अब उससे तुम्हें क्या, वैसे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे खर्चे उठाने की। वर्षा मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन में वो ऑटो चलाता हूँ, रात को ये डिलीवरी का काम पकड़ लिया क्यों? ताकि तुम्हारी इच्छा है। वो जो तुमने उस दिन दुकान में सूट पसंद किया था ना, वो ये देखो लाया था तुम्हारे लिए, खरीद के मेहनत से। लेकिन तुम इसके काबिल नहीं हो। तुम वर्षा कितना भरोसा किया था तुम पे, अपनी सारी इच्छाएं मार दी मैंने क्यों? ताकि तुम खुश रह सको। तुम्हारे लिए ना दो नौकरियां पकड़ ली थी मैंने, ठीक है जो तुम्हें करना है तुम करो यार।